जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नुपाल लाइफ। डे 43, वर्कआउट नंबर 43। एब्डोमेन का वर्कआउट करेंगे, रोप की मदद लेंगे, इस मशीन की भी मदद लेंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश करना, एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। आपके जो पेट के ऊपर की चर्बी है उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देगी। इस एक्सरसाइज के प्रोसीजर को समझने की कोशिश करना और वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती है आपके एब्डोमेन पे। तो इसको समझने की कोशिश करना, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आप एक नीचे एक मैट बिछा सकते हैं ताकि आपके घुटनों पे कोई पेन ना हो और आप अपनी पर्टिकुलर मसल पे फोकस कर सकें। अदरवाइज आपका फोकस घुटनों की तरफ रहेगा कि उनमें पेन होने लग जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हमें बिल्कुल नीचे से ग्रिप करना है और हमें कोशिश करनी है बॉडी को स्टेबल रखने की। एब्डोमिन को छोड़ के बाकी पोर्शन हमारा एक जगह रहेगा। जो थाइज हैं ये हमारे काफ मसल वाली लेग के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी और हमें इसको यहाँ से लॉक कर लेना है और एब्डोमिन से बेंड होना है हमेशा और नीचे जाके ब्रीद आउट करना है। ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे होल्ड करना और ब्रीद आउट करना है और 3 से 4 सेकंड आपको होल्ड करना है, फिर ऊपर जाना है। ओनली आपका एब्डोमिन एरिया जो है वो एक्सटेंड होगा, बाकी बॉडी स्टेबल रहेगी। होल्ड अप, होल्ड। यहां पे जो हम होल्ड कर रहे हैं यही मेन एक्सरसाइज है। अगर हम ऊपर जाते हैं वो सिर्फ एक मोमेंटम के लिए है, थोड़ा सा रिलैक्स लेने के लिए। और जो हम गलती क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, इससे आपकी मसल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आप उस एक्सरसाइज का फायदा नहीं ले पाते, पर्टिकुलर मसल पे उसका इफेक्ट नहीं आ पाता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके एब्डोमिन के ऊपर की चर्बी को ये खत्म कर देता है। लास्ट के अगर हम 12 रैप करते हैं तो 3 से 4 जो लास्ट के रैप हैं उन पे आपके एब्डोमिन के पे असर आता है। शुरू में लगता है कि कोई असर नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे 10 to 12 रैप पे हम जाते हैं तो ये पेट में एक अजीब सी जलन होने लग जाती है जो कि वो हमारा फैट बर्न होता है। तो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज, इसके 3 से 4 सेट कोशिश करना है। थोड़ा कम वेट से शुरू करना है, लेकिन ये हैवी वेट से अच्छी होती है। इतना हैवी वेट भी नहीं लेना हमें कि हमारे एब्डोमिन पे इसका असर ना आए, दूसरी मसल इसको पुल करने लग जाए। कोशिश करना हमारा एब्डोमिन हमेशा एंगेज रहे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, आपके एब्डोमिन की चर्बी को खत्म करने के लिए जिम में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो समझने की कोशिश करना इसके प्रोसीजर को सबसे पहले, फिर आप अपने फिटनेस जर्नी को आगे तक लेके जाना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।